हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने एचपी के मोटर में कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई फिक्स नहीं होता है कि किस मोटर में कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा, क्योंकि दोस्तों जो कंपनियां होती है मोटर बनाने वाली, वह अपने हिसाब से जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू लिख के देती है। वैसे भी दोस्तों आजकल की जो कंपनियां हैं मोटर बनाने वाली, वह मोटर पे लिख के देती है कि इसमें कैपेसिटर की इतनी वैल्यू होगी, यानी इतने एमएफडी का कैपेसिटर इसमें लगेगा। तो आप मोटर पर दिए गए एमएफडी के अनुसार या उसकी वैल्यू के अनुसार आप कैपेसिटर लगाए, एमएफडी के अनुसार ही कैपेसिटर लगा सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये वोल्टेज पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कई जगह पर लो वोल्टेज की समस्या भी होती है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा एमएफडी के कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों शायद आप जानते ही होंगे कि मोटर में दो टाइप के कैपेसिटर लगाए जाते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि वह ज़्यादा एमएफडी का लगेगा, और जो रनिंग वाला है वह उसकी वैल्यू कम होगी, वह कम एमएफडी वाला लगेगा। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि हमें कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं एक एचपी की मोटर, तो इसमें जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है वह 100 एमएफडी का लगेगा, और जो रनिंग वाला कैपेसिटर है तो वह इसमें 50 एमएफडी का लगेगा। चाहे तो आप 25 एमएफडी के दो कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। अगर लो वोल्टेज की समस्या है तो आप 72 एमएफडी का एक ही कैपेसिटर लगा सकते हैं। अब बात करें एक 1.5 एचपी की मोटर की, तो इसमें आप 1 एचपी की तरह ही कैपेसिटर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं 2 एचपी की मोटर, तो इसमें आप स्टार्टिंग वाला 100 एमएफडी का लगाए, और रनिंग वाला जो कैपेसिटर है उसकी बात करें तो इसमें आप एक कैपेसिटर तो 25 एमएफडी का और दूसरा 50 एमएफडी का लगा सकते हैं। अगर आपके लो वोल्टेज की समस्या है तो आप 50 एमएफडी के 2 कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। अब बात करें 3 एचपी की मोटर, तो इसमें आप जो रनिंग वाला कैपेसिटर है वह 50 के लगा सकते हैं, और जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है आप 200 एमएफडी का लगा सकते हैं। 100+100 एमएफडी के 2 कैपेसिटर भी आप लगा सकते हैं। अगर कम वोल्टेज की समस्या है तो आप एक कैपेसिटर 72 एमएफडी का और दूसरा 50 एमएफडी का लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि 3 एचपी की मोटर में या तो 72 एमएफडी के 2 कैपेसिटर लगा देते हैं, या फिर 50 एमएफडी के 3 कैपेसिटर लगा देते हैं, जो कि मोटर के लिए सही नहीं होता है। आपकी मोटर ज़्यादा एम्पीयर लेगी और आपकी मोटर कभी भी ख़राब हो सकती है। अब बात करें 5 एचपी की मोटर, तो इसमें आप स्टार्टिंग वाला जो कैपेसिटर है तो वह 2 लगा सकते हैं। हालांकि 200 एमएफडी वाले कैपेसिटर से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर चाहे तो 200 एमएफडी और 100 एमएफडी के 2 कैपेसिटर लगा सकते हैं। अब बात करें रनिंग वाले की, तो इसमें आप 50 एमएफडी के 3 कैपेसिटर लगा सकते हैं, या फिर 72 एमएफडी का 2 कैपेसिटर और 50 एमएफडी का 1 कैपेसिटर लगा सकते हैं, यानी कि 3 कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर कम वोल्टेज की समस्या है तो आप वहां पर कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 72 एमएफडी के 3 कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, या फिर 50 एमएफडी के 4 कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। लेकिन कम वोल्टेज की समस्या है तभी कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाए, अन्यथा नहीं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आए होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल